बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। रेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुंचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अपराधियों ने सासाराम में बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बेलगाम बदमाशों ने थाना अध्यक्ष को गोली मार दी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर गुरुवार की सुबह अपराधियों ने दरीगांव थाना अध्यक्ष दिवाकर कुमार पर हमला करते हुए उन्हें गोली मार दी। उन्हें गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल सासाराम लाया गया, जहां चिकित्सकों ने वाराणसी रेफर कर दिया। घटना सुबह 5 बजे की है। एसडीपीओ संतोष कुमार राय ने बताया कि सुबह में पुलिस टीम गश्ती पर निकली थी। इसी दौरान NH2 पर तारा चंडी मंदिर के बम भोले होटल के समीप एक बाइक खड़ी कर 3 की संख्या में कुछ लोग देखे गए। पुलिस को देख तीनों भागने लगे। अपराधियों को भागते देख पुलिस ने उनका पीछा किया। पीछा करने के क्रम में उनमें से एक ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में थानाध्यक्ष को बाएं हाथ में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल थानाध्यक्ष को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि क्षेत्र में चोरी और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी थानाध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र में गश्ती तेज करने का निर्देश दिया गया है। आज भी रूटीन के तहत पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर थे, तभी एक घटना घटी। इसके बाद से इलाके में नाकाबंदी तेज कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। न्यूज तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।